हुण इस टाइम स्टूडेंट साढ़े है वो किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखन जिहड़े जनवरी इनटेक च अप्लाई कर रहे ने। देखो जी किते ना किते सानू कैंपस नू लैके भी बच्चों दीआं काफ़ी प्रॉब्लम्स आईआं ने। सितंबर इनटेक च वीज़ा अफसर वीज़ा देने लई नहीं रेडी, साडे तो जनवरी इनटेक की डैफर मंग रहा है, तो उत्थे की हो रहा है कि बच्चों की जनवरी इनटेक लई साडे कोल कैंपस अवेलेबल नहीं हुंदे। तो ये चीज़ा जिहड़ियां अज जिहड़ा साडा बच्चा प्लस टू के पेपर दे रहा है जां किसी ने भी जिहड़े बच्चे ने जनवरी इनटेक लई अप्लाई करना है नवंबर लई अप्लाई करना है, सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है जिहड़ा रीज़न है लेट अप्लाई करन दा साडे देखण नूं मिल रहा स्टूडेंट्स दा कि लेट अप्लाई कर देने उत्थे जिन्ना चिर तुहाडे डॉक्यूमेंट्स पहुँचदे वो इनटेक दीआं जिन्ने उन्होंने वीज़ास देने ओवर हो चुके आ जां कुछ भी कह लो जो उन्होंने सिस्टम अंदरों है वह सारा जिहड़ा है एकदम क्लोज है कि सितंबर के इन्ने वीज़ास देने असी दे चुके हैं जां असी नवंबर के इन्ना वीज़ास देने दे दिते आ। मेरा कहन दा भाव यह नहीं कि सितंबर क्लोज़ हो चुका है, सितंबर च एडमिशन नहीं होगी, एडमिशन चल रही है। मेरा कहन दा मतलब ये आ कि जिहड़ियां प्रॉब्लम साडा स्टूडेंट फेस कर रहा वो किते ना किते लेट अप्लाई करके फेस कर रहा है, उत्थे जाके किते ना किते अद्ध च उहदा प्रोसैस रुक जाता है। बहुत सारियां चीज़ां हैं जिहड़ियां लेट करके सानू फेस करनियां पै रही हैं। अगे जिहड़ा साडा स्टूडेंट अप्लाई करे वो लेट ना करे, जनवरी इनटेक की कंडीशनल मंगानी है, प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया, तुहाड़ी जो प्लस टू की लास्ट जिहड़े सेमेस्टर ने उन्हां दी प्रेडिक्शन सीट्स ने उहदे बिहाव ते तुहानू एडमिशन देने लई कॉलेजेस रेडी ने, तुसीं अज अपनी कंडीशनल मंगवा के रख लो तां कि तुहानू कल दे दिन ये दिक्कत परेशानियां ना आण। जी बिल्कुल। सो पहला हुंदा सीगा जी जो थोड़ा डिले भी हो जाता सी, जुलाई तक बच्चे सितंबर इनटेक का अप्लाई करी जाते सी, अज आप जून दे विच बैठे ही गल कर रहे हैं जनवरी 2023 की, वह भी कुछ सीटा बाकी ने, फिर मई 2023 भी सीटा मिलनिया शुरू हो गई ने, एक एक साल एडवांस हो गया सिस्टम। सो ये चीज़ को समझना पड़ेगा, जिवें गुरप्रीत जी ने गल की, पहला हुंदा सी भी लेट चल जाता सी, बच्चे अज भी कई बार लेट अप्लाई करते हैं मिल नहीं पाता इनटेक। सो यह जहाँ ना हो, एक टाइमली जरूर अप्लाई कर लियो।